तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर मी 10i इंडिया के यूज़र हैं तो आज आपके लिए यहां पे इंडिया के लिए फाइनली मी वाई 13 एंड्रॉयड 12 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। यहां पर मी वाई 13 एंड्रॉयड 12 का अपडेट मी 10i इंडिया के लिए फाइनली रिलीज़ हो चुका है। वो अपडेट कब तक सभी यूज़र्स को यहां पे देखने के लिए मिलेगा, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि हमें उस वाले चेंज लॉग में क्या क्या वहां पर देखने के लिए मिल जाता है, और ये अपडेट MI पायलट से पब्लिक में फुली रिलीज़ कब तक किया जाएगा और ये सभी यूज़र्स को कब तक देखने के लिए मिलेगा, आज मैं आपको इस वाली वीडियो में ये इसी पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मी 10i के लिए 26 अप्रैल को मी वाई 13.0.3.0 SJS INXM इंडिया स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 12 पर MI पायलट यूजर्स के लिए रिलीज़ किया गया था, और इस अपडेट का जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे 3 GB का देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये अपडेट यहाँ पे 12.5 NN से मी वाई 13 और एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 12 पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसके चेंज लॉग की बात करें तो हमें इसमें चेंज लॉग ये देखने के लिए मिलता है, स्टेबल मी वाई बेस्ड एंड्रॉयड 12 अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू मार्च 2022 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, और इसी के साथ हमें इसमें मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐप्स कैन बी ओपन एज फ्लोटिंग विंडोज डायरेक्टली फ्रॉम द साइड बार, ऑप्टिमाइजेशन एनहेंस एक्सेसिबिलिटी, सपोर्ट फॉर फोन क्लॉक एंड वेदर, माइंड मैप, नोट्स आर मोर कन्वीनियंट एंड इनिशिएटिव नाउ। तो यहाँ पर ये चेंजेस ही हमें मी 10i मी वाई 13 के इंडिया स्टेबल अपडेट में देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी के लिए ये वाला अपडेट केवल लिमिटेड यूज़र्स को ही दिया गया है, यानी कि केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूज़र्स। तो ये सभी MI पायलट को कब तक देखने के लिए मिलेगा ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये वाला अपडेट सभी MI पायलट यूज़र्स को एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, और मई के सेकेंड वीक तक इस अपडेट को पब्लिक में भी रिलीज़ कर दिया जाएगा, और मई के महीने में इस अपडेट को फुली रोल आउट भी कर दिया जाएगा, यानी कि आपको मई के महीने का वेट करना है। मी 10i मी यूआई 13.0.3.0 एंड्रॉयड 12 के लिए अगर ये अपडेट अभी तक आपको आपके मी 10i में देखने के लिए नहीं मिला है, और इस वाले अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि ये अपडेट 100% यहाँ पे रियल देखने के लिए मिल जाता है। तो जब भी किसी अपडेट के डाउनलोड लिंक्स पोस्ट हो जाते हैं और वो डाउनलोड लिंक्स वर्किंग होते हैं तो ये वाला अपडेट यहाँ पे 100% हमें रियल देखने के लिए मिलता है। ये अपडेट कभी भी फेक नहीं होता है। जिस भी अपडेट्स के डाउनलोड लिंक्स यहाँ पर पोस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर इस वाले अपडेट के भी डाउनलोड लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन इस वाले अपडेट के डाउनलोड लिंक से अभी आप इसको चूज अपडेट पैकेज से फ्लैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट अभी के लिए केवल MI पायलट में ही रिलीज़ किया गया है। पब्लिक में इस वाले अपडेट को बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर मी 10i इंडिया के लिए मी वाई 13.0.3.0 का लेटेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट फाइनली एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड इंडिया के लिए रिलीज़ हो चुका है, और ये अपडेट सभी यूज़र्स को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में यहाँ पर बता दिया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन मी 10i मी वाई 13.0.3.0 एंड्रॉयड 12 इंडिया स्टेबल अपडेट के ऊपर। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे बाइटे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।